करती अपनी मम्मा की बात, क्यों अपनी मनमानी करती हो हर बार, ये तो बुरी बात है ना। अगर मम्मा कहती है कुछ तो अच्छे के लिए कहती है। मैं तो छोटी हूँ ना, अब देखो कितनी सारी ट्रैफिक है और मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। अभी मम्मा को भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे घर जाऊंगी, और मम्मा कितना परेशान होगी, मुझे ढूंढ रही होगी। ज़ैनब तुम कभी नहीं मानती, तुम सिर्फ अपनी करती हो, ये बुरी बात है। बच्चों को अपनी नहीं कहनी चाहिए, अपने मम्मा पापा की बात माननी चाहिए। देखो क्या हुआ, अब मुझे कोई दाढ़ी लग गई तो क्या होगा, मुझे पेन होगा ना, क्या करूँ मैं। मैं पहले समझती नहीं हूँ, बाद में उसी बात पे मुझे बहुत रोना भी आता है। देखो मैं कहाँ जाऊँ, अब कौन मुझे अपने घर ले जाएगा। ओ बेटा क्या हुआ है अंकल, मैं अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। बेटा मैं आपको दूर से देख रहा था, अब वो परेशान हो, क्या हुआ मुझे बताओ। अंकल मैं अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ और मेरी मम्मा ने मुझे ये भी कहा था कि बाहर मत जाओ, पर मैं। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे हो जाता है, अभी आप बच्ची हो, पर ठीक है कोई मसला नहीं, मेरा घर पास में है, मेरे साथ चलो। नहीं अंकल मैं आपके साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मेरी मम्मा ने कहा है कि किसी भी स्ट्रेंजर के साथ कहीं नहीं जाना, ना कुछ चीज लेनी है, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बेटा तो फिर यहाँ पे खड़ी रहोगी तो कोई गाड़ी लग जाएगी, अगर गाड़ी लग जाएगी तो ब्लडिंग हो जाएगी, फिर कोई बात नहीं, पर मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, क्योंकि मेरी मामा ने कहा है किसी भी अजनबी के साथ बात भी नहीं करनी है। ओके तो खड़ी रहो यहाँ पे, दो चार और अंकल आ जाएंगे, बैड अंकल टाइप, वो आपको अपने साथ ले जाएंगे, फिर मुझे ना कुछ कहना। लो बेटा मेरे साथ चलो। नहीं मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। चलो बेटा मैं कह रहा हूँ ना, मेरे साथ चलो। नहीं अंकल मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। ज़ैनब ज़ैनब मेरी बच्ची, मम्मा मम्मा मैं बहुत दूर आ गई, मम्मा। ज़ैनब मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी, मम्मा आई एम सॉरी, मैं आपकी बात नहीं मानती, बाहर निकल आई। आप कौन है? मैं तो कोई नहीं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, ये बच्ची रो रही थी। नहीं तो आप कौन है, आप मेरी बच्ची के पास क्यों खड़े हैं? नहीं मैं तो जा रहा हूँ, मैं मुझे जाना है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। ज़ैनब आप क्या कर रही हो, कभी तो अपनी मम्मा की बात माना करो बेटा, ऐसे नहीं करते। आपको पता है ऐसे स्ट्रेंजर्स बच्चों को मिला कुछला कर अपने साथ ले जाते हैं, और पता है वो कितनी गलत बात है। मामा आई एम सॉरी, मुझे पता था पर मैं उनके साथ नहीं गई। कोई बात नहीं बेटा, चलो हम घर चले, पर अब मम्मा की बात माननी है और कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे आप भी परेशान हो और मम्मा भी परेशान हो। ओके बेबी आओ, पिज्जा पिज्जा मुझे बहुत पसंद है, यम्मी, और इसको मेरे पेट भर के खाऊंगी, रोज रोज सब्जी 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 जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर खाना हो तो बर्गर हो, फ्राइज हो, पिज्जा हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये क्या बोरिंग सा खाना जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मामा हर वक्त सब्जियां ही बनाती रहती है, आखिर सब्जियों में तो कोई टेस्ट ही नहीं होता, क्यों मम्मा बनाती है, ये देखो कितना यम्मी सा पिज्जा है और आज मैं खाऊंगी ये। ज़ैनब ये आप क्या कर रही हैं, पिज्जा इज नॉट हेल्दी फॉर ज़ैनब्स हेल्थ, आपको पता है ना पिज्जा जंक फूड है, पर मम्मा कितना टेस्टी भी तो होता है ना। नहीं बेटा पिज्जा नहीं खाते, और जो भी जंक फूड है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उनकी सेहत उससे खराब होती है, आपको मैंने बताया है ना। हाँ मम्मा बताया तो है, लेकिन इतना जबरदस्त है, देखो तो सही कितना चीजी चीजी है मम्मा। बेटा आप वेजिटेबल्स खाया करें, फ्रूट्स खाया करें, वो हेल्दी है आपके लिए, ये हेल्दी नहीं है आपके लिए। वेजिटेबल्स के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? आप पिज्जा भी नहीं खाने देती और
जैना, आपको पता है वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, पर मम्मा आप रोज रोज क्यों वेजिटेबल बनाती हैं? रोज रोज नहीं बनाती बेटा, आपके लिए जो चीज हेल्दी है वो आपको खिलाऊंगी ना, ऐसे तो नहीं है। चलो आज जैनब को हम वेजिटेबल्स के नाम बताते हैं और वेजिटेबल के नाम्स के साथ वेजिटेबल कैसे कैसे बनाते हैं। ओके, तो जैनब क्या सीखेगी? वेजिटेबल्स के नाम, और उसके साथ जो जब भी मामा वेजिटेबल बनाएगी तो वेजिटेबल के नाम जैनब मुझे खुद बताएगी, ठीक है? ओके मम्मा, आपको पता है ये क्या है? नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता। ये कैरेट है। ओह कैरेट मम्मा, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ, फिर आपको पता है ये क्या है? ये कॉर्न है। ये कॉर्न है, और इससे भी बहुत सी ज्यादा यम्मी यम्मी चीजें बन सकती हैं। पता है इससे सूप भी बन सकता है, राइस भी बन सकता है, ठीक है? और अब हम क्या देखेंगे? लेटस। लेटस बहुत हेल्दी होता है, ये सैलेड में जाता है और सैलेड बहुत ज्यादा यम्मी हो जाता है। ये रेड चिली है। क्या है? रेड चिली। जैनब को तो आ गया। अब ये लेमन है। लेमन, वाओ मम्मा कितना प्यारा कलर है लेमन का, येलो येलो। हाँ, येलो येलो कलर है। ये गार्लिक है। क्या है जैनब? गार्लिक है मम्मा। गुड, जैनब तो बहुत होशियार है। जैनब को तो जल्दी से पता चल गया वेजिटेबल्स के क्या क्या नाम होते हैं। वाओ मम्मा, वेजिटेबल्स के नाम तो बहुत प्यारे हैं और मैं सीख भी गई। हाँ, तभी तो ये रेडिश है। रेडिश मम्मा, ये व्हाइट व्हाइट होती है। हाँ व्हाइट व्हाइट होती है। अच्छा, और मम्मा ये क्या है? ये ग्रीन पेपर है। पेपर? ये तो पेपर नहीं लग रहा। बेटा इसको ग्रीन पेपर कहते हैं। इसमें रेड पेपर भी आता है, येलो पेपर भी आता है। हमारे पास येलो पेपर भी है। अच्छा, हाँ ये देखो येलो पेपर। अब जैनब बताओ ये क्या है? ये येलो पेपर है। हाँ गुड, जैनब तो बहुत होशियार है, उसको तो सब वेजिटेबल्स के नाम भी आ गए। आज मैं रात को जैनब के लिए इन सब वेजिटेबल्स से यम्मी सा फूड बना के दूंगी। पर मम्मा मुझे तो वेजिटेबल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा जरूरी नहीं है कि वेजिटेबल्स से जो भी बना हुआ फूड वो मजे का ना हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि वेजिटेबल्स से भी बहुत यम्मी यम्मी सा फूड बन सकता है और जैनब हैप्पी हैप्पी होकर खाएगी। ओके मम्मा, ओके बेबी, पर एक बात मानोगी मेरी? क्या मम्मा, आप आज कैसे बाहर निकल गई? बुरी बात है ना, आपको पता है मम्मा कितना परेशान हो गई थी। सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं बेटा, पर आगे से अपनी मम्मा की बात माननी होगी जैनब को। ओके बेबी। अंकल अंकल, ये आवाज कौन सी थी? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आपने सुनी कोई आवाज? बेटा ये मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं हज पे जा रहा हूँ। हज? हज क्या होता है अंकल, और कहाँ पर होता है? बेटा हज मक्का मुकरमा में होता है, सऊदी अरबिया में, जहाँ सब मुसलमान जाते हैं। ओ अच्छा, फिर क्या होता है वहाँ पे अंकल? वहाँ पे हम जाके पहले उमरा करते हैं, उमरा करके फिर हम जो भी हज के एकामात होते हैं वो पूरा करते हैं। अच्छा, क्या मैं हज पे जा सकती हूँ? हाँ आप जा सकती हैं, आपके छोटे भाई बहन जा सकते हैं, आपकी मम्मा जा सकती है, सब वो
समझा सकते हैं, क्योंकि हज हर मुसलमान पर फर्ज है। अंकल, आप हज पर जाएं और हम सब मुसलमानों के लिए वहां पर दुआ जरूर करिएगा। ठीक है बेटा, मैं आप सब के लिए जरूर दुआ करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है अंकल, जज़ाकअल्लाह अंकल, जज़ाकअल्लाह खैर बेटा, अब मैं जा रहा हूँ। मानेगी और जो मैं कहूंगी वो आपको करना होगा। ठीक है ज़ैनब? ओके मम्मा, मैं वो ही करूंगी जो मेरी मम्मा कहेगी। गुड बेबी। अच्छा अब बताओ कि ज़ैनब कहाँ गई थी और कौन मिला था ज़ैनब को? मम्मा, मुझे एक अंकल मिला था और वो हज पर जा रहा था। अच्छा, अच्छी बात है ना, हज करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मम्मा, हम कब हज पे जाएंगे? मुझे भी हज पे जाना है, मुझे भी बहुत शौक है कि मैं भी हज करूं। अंकल ने कहा था कि हर मुसलमान, बच्चा बड़ा बूढ़ा, हर कोई हज पे जा सकता है। मम्मा, मुझे भी हज पे जाना है, मम्मा जाना है, जाना है। हाँ हाँ, हम जरूर चलेंगे इंशाल्लाह। ज़ैनब, आपको पता है हमारा दीन क्या है? जी मम्मा, हमारा दीन इस्लाम है। गुड, ज़ैनब तो बहुत होशियार है। जी मम्मा। ओके, अब हमें बताओ कि हमें किसने पैदा किया है? मम्मा, हमें अल्लाह पाक ने पैदा किया है। गुड ज़ैनब। और हमारे अम्मी अबू को किसने पैदा किया है? उनको भी अल्लाह पाक ने पैदा किया है। ज़ैनब, हमारे प्यारे आखिरी नबी का नाम क्या है, आपको पता है? जी मम्मा, मुझे पता है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ज़ैनब, और अल्लाह ताला की आखिरी किताब कौन सी है? मम्मा, कुरान मजीद। और कुरान शरीफ कौन सी जबान में है? मम्मा, अरबी जबान में है। कुरान शरीफ पढ़ने से पहले क्या किया जाता है, आपको पता है? जी मम्मा, वुज़ू किया जाता है। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम का क्या मतलब है? मम्मा, अस्सलाम वालेकुम का मतलब है आप पर सलामती हो। गुड। और तऊस किसे कहते हैं, ये आपको पता है? मम्मा, तऊस का तो मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं बेटा, तऊस उसे कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसको तऊस कहते हैं। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गुड, ज़ैनब को जल्दी आ गया। जी मम्मा। और अब आप बताओ, ओके आपको तो नहीं पता कि तऊस क्या है, अब आपको पता है तऊस का तर्जमा क्या है? नहीं मम्मा। ओके, तऊस का मतलब है मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मर्दूद की शर से। मम्मा, तऊस पढ़ने से क्या होता है? तऊस पढ़ने से शैतान हमसे दूर भाग जाता है। अच्छा, ओके मम्मा, अब से मैं जब भी मुझे डर लगेगा या मुझे इस तरह कुछ फील होगा तो मैं तऊस जरूर पढ़ा करूंगी। गुड बेबी। ज़ैनब, आपको पता है फरिश्ते कौन है? जी मम्मा, फरिश्ते
फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, हम फरिश्तों को नहीं देख सकते। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको मशहूर फरिश्तों के नाम आते हैं? जी मम्मा मुझे आते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हाँ आपको तो आते हैं नाम। ज़ैनब आपको पता है ये चार फरिश्तों के भी काम होते हैं। आपको पता है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? जी मम्मा मुझे पता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम अपने प्यारे पैगंबरों तक पहुँचाते हैं। और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम क्या करते हैं? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन सूर फूकेंगे। जबरदस्त यार, ज़ैनब तो बहुत होशियार है। हजरत मिकाइल क्या करते हैं? हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के बंदों के लिए रिज़्क ले जाते हैं और बारिश करते हैं। जबरदस्त। और हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानों की जान लेते हैं। हाँ जबरदस्त, ज़ैनब तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई है। ज़ैनब को तो सब कुछ आता है, मेरी प्यारी बेटी मम्मा। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि और क्या क्या ज़ैनब को आता है? जो भी मुझे मम्मा, मुझे सब आता है क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे सब सिखाया है। गुड। और जो जो सिखाया है उस पे ज़ैनब को भी अमल करना है। ज़ैनब आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। ओके मम्मा। आ जाओ मेरी प्यारी बच्ची मम्मा। ओके अब आप ये बताओ कि बिस्मिल्लाह रहमान नेम की क्या माना है? बिस्मिल्लाह रहमान नेम की माना है अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाह वाह ज़ैनब प्यारी मेरी बच्ची मम्मा। और हमारे इस्लाम की क्या माना है? इस्लाम की माना है अमन और सलामती। हाँ बिल्कुल सही कहा। ज़ैनब इस्लाम के कितने अरकान है? मम्मा इस्लाम के 5 अरकान है। अच्छा और आपको पता है खाना काबा क्या है? जी मम्मा खाना काबा अल्लाह का घर है। अच्छा ये भी ज़ैनब को पता है। और खाना काबा को तामीर किसने किया ये पता है आपको? जी मम्मा खाना काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। अच्छा और जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। और वो हमें जवाब में क्या कहते हैं वो आपको पता है? जी मम्मा वो हमें कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। मम्मा अभी मुझे बहुत सारी भूख लगी है, अभी पास करें और मुझे कुछ खाने के लिए दें। ज़ैनब मैं अपनी प्यारी बच्ची को जरूर कुछ खिलाने को दूंगी, पर पहले कुछ सवाल तो पूछूं ताकि मम्मा को भी तो पता चले जो जो मम्मा ने ज़ैनब को सिखाया है वो ज़ैनब को आता भी है या सिर्फ ज़ैनब बाहर खेलना जानती है, ये तो पता चले ज़ैनब कितनी होशियार है। ठीक है मम्मा आप जो भी पूछेंगी आपको मैं बताऊंगी। ठीक है ज़ैनब अपने मम्मा पापा की बात मानने से पता है क्या होता है? जी मम्मा अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होता है। गुड। और आपको पता है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में क्या फरमाया है? जी मम्मा जन्नत माँ के कदमों में है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद के बारे में क्या फरमाया है वो आपको पता है? जी मम्मा अपने पापा को नाराज करने से अल्लाह ताला नाराज होता है। तो फिर आपने क्या सीखा? अपने मम्मा पापा दोनों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए क्योंकि मम्मा पापा अपने बच्चों को कभी भी कुछ गलत नहीं करने देंगे क्योंकि मम्मा पापा उनकी केयर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उसके बेबी को कोई तकलीफ हो क्योंकि उसका बेबी ही उसकी दुनिया है। तो अपनी मम्मा से हमें
हमेशा जो भी बात हो वो आपको बतानी है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, जो भी आपके साथ मसला हो वो आपको अपनी मम्मा से पापा से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगी तो आप परेशान रहेंगी, पर अगर आप अपनी मम्मा पापा दोनों से शेयर करेंगी तो मम्मा पापा आपकी हेल्प करेंगे। उससे क्या होगा, ज़ैनब परेशान नहीं होगी। जी मम्मा, मैं आगे से जो भी बात होगी वो आपसे शेयर करूंगी। अरे मेरा बच्चा ज़ैनब तो बहुत होशियार है। जी मम्मा, मेरी हर बात मानती है, सिर्फ ये नहीं मानती बाहर चली जाती है, जबकि उसको पता भी है कि वहाँ बहुत सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं जो बच्चों को मेला फुसला के अपने साथ ले जाते हैं, और मेरी ज़ैनब तो बिल्कुल छोटी है, तो उसको अपना ख्याल रखना तो नहीं आता ना, तो वो बाहर ही ना जाए, सिर्फ अपनी मम्मा पापा उनके साथ जाए, ताकि ज़ैनब भी अपनी मम्मा पापा के साथ सेफ रहे। ठीक है मेरा बच्चा, ओके मम्मा। ज़ैनब, आपको कलमा आता है? आपको पता है पहला कलमा कौन सा है? जी मम्मा, पहला कलमा तैयब है। तैयब माने आता है आपको? जी मम्मा, पहला कलमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलिल्लाह। अच्छा ज़ैनब को अब इसका आपको मतलब आता है? जी मम्मा, वो भी आता है मुझे, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे सब बताया है। अच्छा बताओ क्या मतलब है? अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। गुड बेबी। और आपको पता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच के बारे में क्या फरमाया है? जी मम्मा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सच बोलना नेकी है और नेकी जन्नत ले जाती है, और मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे जन्नत में जाना है। हाँ, नेकी करोगी तो जन्नत में जाओगी। जी मम्मा। मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, क्या मैं वॉशरूम जाऊँ? ज़ैनब, आपको पता है वॉशरूम जाने की भी एक दुआ होती है, आपको पता है? नहीं मम्मा, मुझे तो नहीं पता कि वॉशरूम जाने की दुआ है। मम्मा वो कौन सी दुआ है? वो दुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल ख़बाइस। ठीक है। अच्छा मम्मा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अल्लाह पाक हमें बुरे शैतान और जिन्नात से महफूज रख। अच्छा मम्मा, अगर मैं ये दुआ ना पढूं तो? नहीं, अब मुझे पता है ज़ैनब को जो बात बताई वो तो ज़ैनब जरूर करेगी, क्योंकि मेरी ज़ैनब है ही इतनी प्यारी। जी मम्मा। मम्मा, अब तो मैं वॉशरूम में गई तो मुझे ये दुआ पढ़नी है, अगर मैं वॉशरूम से बाहर निकलूं फिर मुझे कौन सी दुआ पढ़नी है? फिर आपको दुआ पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब इन्नल अज़ा वल आफ़ानी। अच्छा मम्मा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं, जिसने मुझसे इस ऐज़ा देने वाली मुझसे ईज़ा देने वाली चीज को दूर किया और मुझे चैन दिया। अच्छा ठीक है मम्मा, आज से मैं वॉशरूम जब भी जाऊंगी तो दुआ पढ़ूंगी, और वॉशरूम से निकलूंगी तब भी दुआ पढ़ूंगी। अब मम्मा मुझे बहुत भूख भी लगी है, तो प्लीज मैं वॉशरूम जाती हूँ, आप प्लीज मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को लेकर आए। ओके बेबी, मैं अपनी बच्ची के लिए फ्रूट्स लेके आती हूँ, क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज्यादा हेल्दी है मेरी बच्चे के लिए। ठीक है मेरा बच्चा। ओके मम्मा, मैं अपनी मम्मा की हर बात मानूंगी। ज़ैनब, ज़ैनब। जी मम्मा। क्या हुआ मम्मा? ज़ैनब, ये देखें, मैं आपके लिए फ्रूट्स लेकर आई हूँ, और ये ज़ैनब पूरे खत्म करेगी। ओके मम्मा, मैं जरूर फिनिश करूंगी। गुड बेबी। मम्मा, मम्मा, मेरी फ्रेंड आई है फातिमा, क्या मैं इसके साथ प्ले करूँ? ठीक है।
है बेटा, आप उसके सबके लेकर घर पे। ठीक है मामा, थैंक यू मामा। मेरे बच्चा फातिमा, क्या हुआ है? जब से आई हो बहुत उदास हो, परेशान हो, क्या हुआ है? तबीयत तो सही है? हाँ तबीयत तो सही है, पर कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, बताओ ना, मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। हाँ बेस्ट फ्रेंड हो, पर मैं कैसे बताऊँ? क्या हुआ है, क्यों नहीं बता सकती? मम्मा कहती है अगर कोई मसला हो, अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उसके साथ कोई मसला हो, तो वो आपको बता सकती है। हाँ बता तो सकती हूँ। बताओ ना फातिमा, क्या हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकती। यार मैं आपको बताऊंगी, पर आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी। ठीक है मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी से बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों मेरी इतनी प्यारी सी दोस्त इतनी उदास उदास है? मैं उदास इसलिए हूँ कि मेरे मम्मा पापा बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, इतना कि मैं स्कूल में पढ़ भी नहीं पा रही। जो भी मेरा टेस्ट पेपर होता है उसमें मेरे नंबर्स जीरो आ जाते हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरे मम्मा पापा के झगड़े रहते हैं। घर में हर वक्त वो लड़ते रहते हैं, पता नहीं क्यों। और जब भी वो झगड़ा करते हैं तो बीच में मुझे मार पड़ती है, जबकि मैं कुछ भी नहीं करती। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, आखिर मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मैं क्या करूँ। और इस क्लास में भी टीचर्स को ये लगता है कि मैं जानबूझ के पढ़ाई नहीं करती, जबकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ाई करूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है पढ़ना, कुछ बनना, पर मैं कैसे बनूँ, क्योंकि मेरे घर में इतना डिस्टर्बेंस फैला हुआ है। आपको पता है जैनब, सब बच्चे मुझ पे हंसते हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, और टीचर उन बच्चों को ये नहीं कहती कि आप मत हंसो, वो भी मुझे यही कहती है कि तुम डम हो, तुम कुछ नहीं करोगी, तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगी। क्यों, मैं क्यों कुछ नहीं कर सकती? मेरे अम्मी अबू लड़ते हैं उनके झगड़ों में, आखिर मैं क्यों कुछ नहीं कर सकती? मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे कभी कभी तो ऐसे लगता है कि मैं दुनिया में क्यों आई ऐसे माँ बाप के घर में, जो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करते हैं, वो भी बिना बात के, कोई बात भी नहीं, कोई मसला भी नहीं, फिर भी लड़ते हैं। आखिर क्यों लड़ते हैं? क्या जैनब, क्या आपके भी अम्मी अबू ऐसे झगड़ा करते हैं? बताओ ना, क्योंकि मेरे घर में घर का माहौल कम एक जहन्नम है, जहाँ मैं रह नहीं सकती। पर मैं क्या करूं, आखिर मैं कहां जाऊं, मैं तो छोटी बच्ची हूं ना। जैनब आपको पता है मेरी क्लास की टीचर मुझे बार 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 इतना इतना तंग करती हैं, और जब मैं मतलब तंग आकर अगर मैडम के भी पास जाती हूं तो वो भी यही कहती है कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, क्यों आखिर मेरे स्कूल का नाम तुम खराब कर रही हो, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसको कहूँ, अगर मेरी टेस्ट पेपर में मार्क्स नहीं आते तो मेरे अम्मी अबू मुझे मारते हैं। वो ये नहीं समझते कि मैं अगर पढ़ाई में पीछे हूँ तो उनकी वजह से हूँ। क्यों वो माँ बाप नहीं समझते कि अगर बच्चों को कोई मसला है तो किस वजह से है, वो नहीं समझ पाते, वो सिर्फ बच्चों को ही ब्लेम करते हैं। क्यों कोई नहीं समझता कि बच्चों को अगर कोई मसला है तो जरूर कोई परेशानी होगी बच्चों को, ऐसे तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ाई ना करे, वो खेले ना। इवन मैं जो भी ब्रेकफास्ट लेके जाती हूँ मैं तो वो भी नहीं खत्म करती, पर ना कोई टीचर मुझे कहती है कि ये क्यों आपने नहीं किया ब्रेकफास्ट, ना ही मेरी अम्मी देखती है। आखिर मैं इस दुनिया में इसलिए आई हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ लोग तंग करें, मैं कहाँ जाऊँ जैनब? हाँ यार मसला तो बहुत है, पर मेरे स्कूल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी टीचर्स मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और मेरी अम्मी मेरे अबू सब मुझे ज्यादा प्यार करते हैं। जैनब क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मुझे अपने अम्मी अबू प्यार भी नहीं करते, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्योंकि मेरी टीचर्स मुझे जब मैं क्लास में एंटर होती हूँ तो टीचर्स मुझे कहते हैं देखो देखो जोकर आया है, देखो देखो, क्या मैं जोकर हूँ? नहीं ना,
आपको पता है सारी गर्ल्स मुझ पे हंसती हैं और मैं एक कोने में बैठ के जो जितना भी टाइम मैं स्कूल जाती हूँ मैं रोती रहती हूँ। मेरा दिल घर को भी जाने को नहीं करता, मैं कहाँ जाऊँ? आज तुमने पूछा तो मैंने बताया मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, अगर मैं घर भी छोड़ के गई तो मैं तो छोटी हूँ ना, मुझे तो लोग ले जाएंगे और पता नहीं मेरा क्या हो। प्लीज कोई मेरे माँ बाप को समझाए कि मेरा ख्याल रखे, मैं छोटा सा फूल हूँ, अगर मुरझा गई तो उनके लिए नुकसान है। क्यों नहीं समझ रहे वो, क्या मेरा कसूर है इसमें? फातिमा तुम परेशान ना हो, मैं आपके लिए दुआ जरूर करूँगी कि आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाए। और देखो जो भी आपका मसला है आप मेरे साथ शेयर करो, मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। और हाँ, आप ऐसे स्कूल से अपना नाम ही ले लो वापस, क्योंकि ऐसे स्कूल में जहाँ आपकी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ना हो तो ऐसे स्कूल में क्यों जाएं हम? जहाँ हम सीखने जाते हैं वहाँ हम पे मजाक उड़ाया जाता है, बच्चे टीचर्स यहाँ तक के प्रिंसिपल भी हम पे मजाक करती हैं। तो हम अपने पैसे भी दें और हम अपना टाइम भी दें और सीखें क्या? सिर्फ और सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाएं? ये तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरे शहर में एक यही स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं। आप अपनी अम्मी को कहें कि आपका नाम वहाँ से निकाल के मेरे स्कूल में दाखिल करवा दें, फिर मैं आपकी वहाँ पे केयर भी करूँगी और हम हैप्पी हैप्पी होके स्कूल भी जाएंगे और साथ में पढ़ाई भी करेंगे। हाँ कह तो सही रही हो, पर क्या मेरी अम्मी अबू मेरी बात मानेंगी? क्योंकि उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने से फारिग होंगे तो मेरे बारे में सोचेंगे ना? मेरा छोटा भाई वो भी जैसे लावारिस बन गया है, मैं कहाँ जाऊँ? माँ आपकी बातें सुन के मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई हूँ, क्योंकि ऐसे भी माँ बाप होते हैं दुनिया में जो अपने ही बच्चों के साथ इस तरह करते हैं। पर मैं आपके लिए दुआ करूँगी कि आपके सारे मसले हल हो जाए और आप भी मेरी तरह खुश रहे अपने अम्मी अबू के साथ। और अब आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपकी मदद भी जरूर करूंगी और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप अपने अम्मी अबू और भाई के साथ बहुत ज्यादा खुश रहें और आपको अल्लाह पाक सारी खुशियां दे, आमीन। और मैं आपकी इस बात में भी हेल्प करूंगी कि आप अपने उस स्कूल से जान छुड़वाएं और आप मेरे स्कूल में एडमिशन ले लें ताकि मैं और मेरी फ्रेंड साथ में हो। और अगर कोई मसला हो तो मैं हूँ ना, मैं आपकी हर वक्त हेल्प करूंगी क्योंकि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्या हुआ जैनब, आप इतनी खामोश क्यों बैठी? में क्या हुआ, आपकी फ्रेंड से लड़ाई हुई है? नहीं मम्मा, फ्रेंड से क्यों लड़ाई होगी, वो तो बहुत ज्यादा प्यारी है। अच्छा फिर क्या हुआ है, इतनी परेशान हो गई हो? पहले तो बहुत खुश थी कि फातिमा आई है, फातिमा आई है, अब फातिमा चली गई इसलिए उदास हो? बताओ ना क्या हुआ। मम्मा आपको पता है फातिमा बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ, क्यों परेशान है? आपने इसको कुछ कहा था? नहीं मम्मा, मैं क्यों कहूँगी, मेरी तो बेस्ट फ्रेंड है। फिर क्या हुआ, बताओ क्या हुआ फातिमा को? मम्मा उसके मम्मी पापा बहुत झगड़ा करते हैं और उस झगड़े की वजह से फातिमा बहुत डिस्टर्ब हो गई है, यहाँ तक कि उसके स्कूल में उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है और टीचर्स कुछ नहीं समझ रहे, वो उसको डांटते हैं और उसकी मजाक बनाते हैं, इवन यहाँ तक कि बच्चे भी उस पे हंसते हैं। और अगर वो प्रिंसिपल के पास जाती है तो प्रिंसिपल भी उसको यही कहती है, तुम हो ही ऐसी हो, कुछ नहीं होगा, ऐसे करोगी। अच्छा ये तो बड़ी बात है, ये तो। मम्मा मैं चाहती हूँ कि फातिमा की मैं मदद करूँ ताकि वो इस परेशानी से निकले, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है, यहाँ तक कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बस रोती रहती है रोती रहती है। मम्मी क्या ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने ही बच्चों पे इतना जुल्म करते हैं? नहीं बेटा, ऐसे पेरेंट्स
कुछ नहीं पता ना बेटा, हम अपने पराए मसलों के बारे में क्या जानते हैं। पर हाँ, आपकी वो फ्रेंड है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए। जी मम्मा, मैं भी यही सोच रही हूँ, पर मम्मा मैं कैसे उसकी हेल्प करूँ? मैं उसकी मम्मा से अगर बात करूँगी तो वो क्या कहेंगी, क्योंकि मैं तो छोटी हूँ ना। आप उनसे बात करें ना मम्मा, क्योंकि वो बहुत परेशान है। ठीक है, मैं उनकी मम्मा से बात करूँगी और उसके स्कूल में भी जाऊँगी ताकि पता तो चले, क्योंकि अक्सर बच्चे जो जिनके माँ बाप स्कूल में नहीं जाते तो टीचर्स उन पर ऐसे ही हावी हो जाते हैं, और उनको पता होता है कि बच्चा अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उनके पेरेंट्स को नहीं पता, तभी तो उनके पेरेंट्स उनके बारे में खबर ही नहीं लेते। हमें चाहिए अगर हम अपने बच्चों के एडमिशन लेते हैं तो अपने बच्चों की पता भी तो लगे, तो बच्चे करते क्या हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, कौन कौन उनके फ्रेंड्स हैं और क्या उनको होमवर्क मिलता है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे को स्कूल में डाल दिया और पता भी ना चले कि बच्चा स्कूल जाता भी है कि नहीं जाता, ये भी तो अपने माँ बाप का ही फर्ज है ना। जी मम्मा, जैसे आप करती हैं, मेरे स्कूल की पूरी तैयारी करती हैं, मुझे लंच बॉक्स देती हैं, अगर मैं नहीं खाती तो आप चेक करती हैं और आप मुझे डांटती भी हैं, मेरा होमवर्क भी चेक करती हैं। आप तो मम्मा बेस्ट बेस्ट मम्मा हो मेरी। जैनब, आप परेशान ना हो, मुझसे जो भी होगा मैं जरूर करूंगी, और टीचर से भी मिलूंगी, प्रिंसिपल से भी मिलूंगी और उसकी मम्मा से भी मिलूंगी, और पता तो लगे आखिर मसला क्या है। इसलिए आप परेशान ना हो, और मैं दिल से ये दुआ भी करूंगी, और आप भी दुआ अपनी फ्रेंड के लिए करना कि उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आए, क्योंकि खुश रहने का हक तो सबको है। जी मम्मा, मैं भी यही चाहती हूँ कि फातिमा भी मेरी तरह अपनी जिंदगी में खुश रहे अपने मम्मा पापा के साथ, जैसे मैं हूँ। बिल्कुल, हर मुसलमान को खुश रहने का हक है। जी मामा, तो आप मेरी मदद करेंगी ना? जरूर, मैं अपनी बेटी की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि हर मुसलमान की मदद करना हम पे जायज फर्ज है। ठीक है बेबी, आपको पता है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? हर मुसलमान, हर जो भी इंसान है, भले मुसलमान हो या कोई भी उसका मजहब हो, वो हम सब को, और हम सब को चाहिए कि हम सब मजहब की इज्जत करें। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि सब इंसान आपस में भाई हैं और सब मजहब एक हैं, और हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए और इज्जत भी करनी चाहिए। ठीक है, ओके मम्मा, ये भी मैं समझ गई कि आज से मैं सबकी इज्जत करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं सबकी मदद करूं। हां, मजहब एक कह के क्या मतलब है? जैनब, मजहब एक कह का मतलब है कि जितने भी मजहब हैं वो अल्लाह ताला को जरूर मानते हैं, पर हमारा जो दीन है वो इस्लाम है, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को मानते हैं, जो सिर्फ अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह भी एक है और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो आखिरी नबी है, और उसके सिवा उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा। अच्छा मम्मा, मुझे ये नहीं पता था। थैंक यू मम्मा, आपने मुझे इतनी ज्यादा बातें और इतनी अच्छी तरह समझाई। जैनब, अभी आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं फातिमा की मम्मा से भी बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि उनके स्कूल भी जाऊं, और मैं पूरी कोशिश यही करूंगी कि फातिमा के स्कूल ये छुड़ा के मैं आपके स्कूल में उसकी मम्मा को कहूं कि उसकी एडमिशन करवा ले, ताकि अगर कोई मसला फातिमा के साथ हो भी तो आप उनकी हेल्प क्या करें। जी मम्मा, मैं भी यही चाहती हूँ कि फातिमा बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि वो बहुत प्यारी है ना, बिल्कुल जैनब की तरह। जी मम्मा। अच्छा, अभी आप जाओ, रात बहुत हो गई है, और आप जाके सो जाओ क्योंकि सुबह स्कूल भी तो है ना। ओके मम्मा, मैं जाती हूँ। घर पर कोई है? क्या ये जैनब का घर है?
जी जी बहन, ये जैनब का ही घर है। आप फातिमा की तो मम्मा नहीं है? जी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठे, तशरीफ रखें। जी जी। फातिमा बहुत दिनों से कह रही थी कि मम्मा चलो चलो, मेरी दोस्त है जैनब जो बहुत ही प्यारी है, उनके घर चलो, पर घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। तो आज उसने इतना जिद किया कि मैंने कहा चलो भाई आज आपकी फ्रेंड के पास चलते हैं। जी हाँ, जैनब भी मुझे कह रही थी कि मम्मा चलो, पर बस मेरे पास भी कुछ मसरूफियात थी, पर अल्लाह का शुक्र है आज हमारी मुलाकात हो ही गई। जी बहन, और सुनाएं कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपके बच्चे कैसे हैं और क्या हो रहा है जिंदगी में? बहन आप क्या खाएंगी, चाय या ठंडा? नहीं बहन, घर से अभी खाना खा कर आई हूँ, तो अभी इस चीज की कोई जरूरत नहीं, बस आपसे मिलना था, आपको देखना था, तो बस बैठते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, खाना पीना तो चलता रहेगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, आप पहली बार हमारे घर आई हैं और ऐसे ही मैं आपको जाने दूंगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। बहन मुझे आपसे फातिमा के बारे में कुछ बात करनी थी। जी जी कहिए, क्या हुआ, फिर कुछ किया क्या फातिमा ने? उफ अल्लाह, मैं तो उस लड़की से बेजार हो गई हूँ। नहीं नहीं, ऐसी मेरा मतलब ऐसा नहीं है, फातिमा तो बहुत ज्यादा प्यारी बच्ची है, क्योंकि मुझे पता है ना जैनब के साथ आती है, इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, फिर क्या बात करनी है फातिमा के बारे में? मुझे सिर्फ ये बात करनी थी कि फातिमा पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। कमजोर? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो पहले से भी ज्यादा एक्टिव है, और इतनी एक्टिव है कि अब तो उसको पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता, सिर्फ खेलना कूदना, और बदतमीज इतनी हो गई है कि कोई बात नहीं मानती। नहीं बहन ऐसी तो नहीं है, वो बहुत ज्यादा प्यारी बच्ची है, आप उसको ऐसा तो ना कहें। क्या प्यारी है बहन, मेरी बेटी है, मुझे पता है, एक बात नहीं मानती, इतना कि मुझे उसको मारना पड़ता है। क्या आप उसको मारती हैं? ये तो आप बहुत ज्यादा गलत करती हैं। आपको पता भी है उसके साथ कितने सारे मसले हैं? क्या मसले हैं? खाती पीती है, इतनी आप देखते हैं, इतनी तंदुरुस्त सी बच्ची बनी फिरती है, क्या कमजोर हो गई है? बहन मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है कि आप अपनी बेटी के बारे में ऐसी सोच रखती हैं। क्या बहन, जो जैसा होगा उसके बारे में वो ही कहेंगे, भले वो मेरी बेटी हो या किसी और की हो। नहीं बहन, ये आपने सही बात नहीं की। आपको पता है फातिमा इतनी खराब हो गई है कि अब तो उसके स्कूल से भी शिकायतें आने लगी हैं, और रोज बच्चे आके मुझे कहते हैं कि आंटी फातिमा ने आज ये किया, आज टीचर ने इसको पनिश किया, ये किया, और ऐसे मतलब बातें सुनने को मिलती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऊपर से प्रिंसिपल भी रोज कहती हैं कि अपने पेरेंट्स को लेकर आओ, अपने पेरेंट्स को लेकर आओ। मैं तो उस शर्मिंदगी की वजह से जाती ही नहीं स्कूल। बस यही तो आप गलत करती हैं, आपको स्कूल जाना चाहिए, आपको ये खबर लेनी चाहिए कि आखिर फातिमा के साथ क्या मसला है, क्या क्या मसला है। मुझे पता है क्योंकि वो मेरे घर में रहती है, वो क्या क्या करती है मुझे सब पता है, तो स्कूल वालों का उसमें तो मेरे ख्याल से कोई कसूर नहीं है। कसूर? कैसे कसूर नहीं है उनका? आपको पता है टीचर्स उसको किस तरह के नाम से बुलाती हैं, बच्चे उसको किस तरह से तंग करते हैं, और उसको इस तरह यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि तुम एक नाकाम हो, तुम कुछ नहीं करोगी। क्या मतलब है नाकाम है? क्या बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं कि टीचर्स और बच्चे उसको इस तरह से डिग्रेड करें? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहन मुझे आपके घरेलू मामलात में इंटरफेयर करने बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर मैं सिर्फ अगर कोई बात कहूँगी तो आप बुरा मत मानिएगा। मैं फातिमा को देखती हूँ, वो बहुत मुरझा गई है, और मैं नहीं चाहती कि इस तरह वो अकेली रह जाए और कभी कभी कहीं वो कुछ गलत ना कर ले, इसीलिए मैं डरती हूँ। और आपको तो पता है हमारे मुआशरे का,
हमारे मुआशरे में ऐसे बच्चों को कैसे कैसे लोग मिलते हैं जिंदगी में, उन बच्चों को बेला फुसला के उनका मिसयूज करते हैं, और उनसे थोड़ा भी कोई प्यार से बात करता है तो उनको ये लगता है कि ऐसा तो मेरे माँ बाप ने भी मुझसे कभी नहीं किया। क्या ये इतना अच्छा है जो अननोन होकर भी मेरे साथ इतना प्यार से चल रहा है? और फिर वो जो जो वो कहता जाता है या कहती जाती है वो बच्चे करते जाते हैं, क्योंकि बच्चे प्यार के हैं और जो भी उनको थोड़ा भी प्यार से बात करेगा वो उनके हो जाते हैं। तो क्यों ना बहन ये प्यार हम अपने बच्चों को करें। हाँ बहन आप कह तो सही रही हैं, बस मैं आपको क्या बताऊँ, आप मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपकी बात मैं समझ भी रही हूँ। बहन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ, क्या फातिमा मुझसे बहुत दूर चली गई है? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा बहन? नहीं नहीं बहन, फातिमा आपसे दूर नहीं गई है, वो बहुत समझदार है और बहुत प्यारी है। आपको पता है, आप थोड़ा उसको अपने पास बुलाइए और अपने थोड़ा प्यार से बात करिए, तो फिर वो देखिए कि आपको लगेगा भी नहीं कि फातिमा बदतमीज़ है या फातिमा पढ़ती नहीं है या कुछ ऐसा वैसा। अब थोड़ा उस पर ध्यान दे। जी बहन मैं ज़रूर इंशाल्लाह ऐसा करूँगी। और हाँ बहन, आपको मुझे ये भी कहना था कि आप प्लीज़ पहली फुर्सत में फातिमा का ये स्कूल छुड़वाएं, क्योंकि इस स्कूल में बच्चे को सिखाते कम हैं और डिग्रेड ज़्यादा करते हैं, और ऐसे स्कूल जहाँ पर हमारे बच्चों की कोई सेल्फ रेस्पेक्ट ना हो, तो उन स्कूलों में हमें अपने बच्चों को नहीं रखना चाहिए। स्कूल तो बहुत सारे मिल जाएंगे पर हमारे बच्चे कभी नहीं मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ सकेंगी। हाँ बहन मैं समझ रही हूँ, और मुझे बहुत दुख भी है कि मैं माँ होकर भी ये सब ना समझ सकी, और आप इतना अच्छे से समझ गई फातिमा को। और हाँ एक और बात भी मुझे आपको कहनी थी, अगर कभी बच्चा जो है स्कूल जाता है खुशी खुशी पहले जाता है और अचानक से बच्चा रोने लगता है कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना, तो आप उसको डांटना नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसकी वजह जानिए कि आखिर क्या मसला हुआ है। बच्चा तो पहले खुशी खुशी स्कूल जा रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बच्चा रो रहा है, स्कूल का नाम सुन के भी वो डर रहा है कि भाई मुझे स्कूल नहीं जाना। तो आप वो वजह जानिए पहले, तो बच्चे को प्यार से अपनी मतलब ये उनको आप उनको ये एहसास दिलाइए कि आप उनकी मम्मा भी हैं और फ्रेंड भी हैं, वो आपसे हर बात शेयर कर सकता है, तब आपको बच्चा अपनी जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी वो आपको बताएगा। क्योंकि स्कूल में टीचर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सिक्योरिटी भी हैं और थर्ड पर्सन्स भी होते हैं, तो बच्चे को कहीं वो कोई मतलब गलत चीज़ तो नहीं बच्चे के साथ कर रहे। क्यों बच्चा इतना डरा हुआ है? क्यों जब पहले वो खुशी से जाता है और फिर जो है वो डरा रहता है, आखिर मसला क्या है? तो ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, भले कोई भी स्कूल हो, पर आपको क्योंकि बच्चा घर से ज़्यादा स्कूल में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये भी बातें ज़रूर समझेंगी। बहन आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी आँखें खोल दी, क्योंकि मुझे सच में इन बातों का इल्म ही नहीं था। क्यों मैं तो घर में घरेलू एक औरत और घर संभालूं, बच्चे संभालूं और घर के मसले, आप तो जानती हैं कि घर के कितने सारे मसले होते हैं। तो मैं कल ही इंशाल्लाह फातिमा का स्कूल चेंज करवाती हूँ, और उसके बाद जो जो आपने मुझे बातें समझाई हैं इंशाल्लाह मैं वो ज़रूर करूँगी, एक माँ बन के एक दोस्त बन के। ठीक है बहन अब मैं चलती हूँ, और मुझे दिल से खुशी हुई आपसे मिलके। मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे मिलूँगी और मेरी इतनी भली मसला हल हो जाएगा। नहीं नहीं बहन आपका घर है, आप जब चाहें मुझसे मिलने आ सकती हैं, और मैं भी इंशाल्लाह आपके घर ज़रूर आऊँगी। और हाँ एक और बात, स्कूल बदलने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपने स्कूल बदला और बात ख़त्म हो गई। आपको ऐसे करना है कि आप हर हफ्ता स्कूल जाएंगी, टीचर से मिलेंगी, बच्चों से मिलेंगी और प्रिंसिपल से मिलेंगी। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि उनकी टीचर्स और आपके बच्चे की जो क्लास फेलोज हैं और प्रिंसिपल हैं वो किस टाइप के हैं, और बच्चे के साथ उनका कोई तरीका गलत तो नहीं है ना।
और कभी आपके बच्चे की कभी भी कम मार्क्स आए तो प्लीज उसको डांटिएगा नहीं, हाँ प्यार से समझाइएगा जरूर और उसकी हिम्मत अफजाई करिएगा। उससे क्या होगा कि बच्चा डरेगा नहीं और जब उसका सेकंड अगर टेस्ट आएगा तो वो उसमें दिलो जान से दिल लगा के पढ़ेगा। और बहन वक्त गवाह है, जिन बच्चों की माओं ने उनकी हौसला अफजाई की आज वो बच्चे कामयाब इंसान हैं और एक दिन आपको भी अपनी बेटी पर नाज होगा इंशाल्लाह। जी बहन मैं आपकी सब बातें याद रखूंगी और मैं भी अपनी बेटी की हौसला अफजाई करूंगी ताकि वो एक कामयाब इंसान बने। ठीक है बहन अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। ठीक है बहन अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। ये ज़ैनब ज़ैनब तुम्हें आपको पता है कि क्या हुआ है? क्या हुआ है फातिमा इतनी खुश क्यों हो? ज़ैनब अब हम साथ में पढ़ेंगे साथ में खेलेंगे कितना मजा आएगा। ये क्या सच में? ये किसने कहा और कैसे हुआ? मेरी मम्मा आपकी मम्मा से मिली थी और मेरी मम्मा तो पहले जैसी है ही नहीं, वो बहुत ज्यादा प्यारी हो गई है। क्या सच में? ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और क्या अब कल से हम साथ में चलेंगे? ये फातिमा आपके स्कूल का पहला दिन आज कैसे गुजरा? बहुत ज्यादा मजा आया मुझे ज़ैनब, मुझे तो कल का इंतजार है कि सुबह हो और मैं फिर से स्कूल आऊं। क्यों छुट्टी हो गई? कितना मजा आ रहा था स्कूल में। अच्छा ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि फातिमा को स्कूल में मजा आया। हाँ अच्छा चलो अब घर चलते हैं, ठीक है क्योंकि मम्मा वेट कर रही होंगी। चलो और हाँ सीधे सीधे घर ही जाना क्योंकि हमारी मम्मा हमारा वेट कर रही होगी। ओके ओह, आज कोई भी बच्चा यहाँ पे नहीं, कहाँ चले गए तमाम सारे बच्चे? कोई तो हो यहाँ पे। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दम पे जो मारा है दौड़ा 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 दम ठके दौड़ा ला 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 ला। अरे बेटा आप कौन है? आप इतना अच्छा पोइम आप गा रही हैं। आइए आइए यहाँ पे बैठे, मैं आपको ट्रॉफी खिलाता हूँ। जल्दी आए जल्दी आए। पता है मुझे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मैं आपको सुनाऊं? अरे वाह बहुत अच्छा लगेगा, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। आ जाओ मेरी गोद में बैठे। जी जी मैं बैठती हूँ और आपको बहुत सारे पॉइंट सुनाती हूँ। मैं आपको ट्रॉफी भी खिलाऊंगा, मिठाई लड्डू खिलाऊंगा। मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है। कितनी अच्छी बेटी है, कितनी अच्छी। हाँ देखो कितनी प्यारी बच्ची हो, मेरा क्या मेरी बातें भी आप मान रही हो। और ये देखिए सारी कैंडीज मैं आपको दूंगा। वाओ इतनी सारी कैंडीज, थैंक यू अंकल। और ये सिर्फ नहीं है, मैं आपको अभी झूला झुलाऊंगा और आप मुझे अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाए और मैं उसके बाद आपको अपने घर ले जाऊंगा, बहुत सारी ढेर सारी आइसक्रीम खिलाऊंगा। अंकल मैं आपके घर नहीं चल सकती। हाँ हम आइसक्रीम खाने जरूर चलेंगे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप अपनी और भी फ्रेंड्स को लेकर आइएगा, रोज आना और मैं सबको आइसक्रीम और अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगा, कैंडीज भी दूंगा मैं। अंकल मेरी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, अभी मैंने न्यू स्कूल ज्वाइन किया है, वहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, मैं उन सबको कल लेकर आऊंगी। अरे वाह क्या बात है, कितनी अच्छी बच्ची है। चलो अब जल्दी जल्दी से मुझे आप अच्छे अच्छे पोएम सुनाओ, मैं आपको झूला झूला रहा हूँ। ज्यादा देर हो गई है, आज ज़ैनब क्यों नहीं आई है अभी तक? कभी इतनी देर नहीं की, क्या हुआ होगा? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम ज़ैनब, इतनी देर हो गई, पता है मैं परेशान हो गई थी। मम्मा आज पता है क्या हुआ? आज हमारे क्लास में फातिमा आई थी, अब वो मेरे साथ पढ़ेगी, हम साथ में पढ़ेंगे खेलेंगे। अच्छा ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा है ना फातिमा भी अब आपके साथ होगी। जी अम्मी। चलो ज़ैनब
आप कपड़े चेंज करो, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जी मम्मा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, आप खाना लाएं, तब तक मैं फ्रेश हो जाती हूँ। ठीक है मम्मा। ओके बेबी, आप जाओ और जल्दी से आ जाना। जी मम्मा। मम्मा जल्दी से खाना लाएं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है मम्मा। ज़ैनब आ रही हूँ बेटा, थोड़ा तो सब्र कर लो। ज़ैनब आप आ गई, फातिमा कहाँ पर है? आंटी मुझे तो नहीं पता कि फातिमा कहाँ है। फातिमा तो घर पे आई थी ना? नहीं अभी तक तो वो घर से नहीं, घर पे नहीं आई है। मुझे लगा कि आपके साथ आपके घर में है। नहीं आंटी मेरे साथ तो नहीं है। कहाँ चली गई होगी फातिमा? अब तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई, उसके अब्बू भी नहीं है घर पे, कहाँ जाऊँ मैं ढूंढने? आंटी आप परेशान ना हो, मैं उसको देखती हूँ, क्योंकि हम निकले तो साथ में थे स्कूल से, लेकिन वो कैसे ऐसे कर सकती है? मैंने उसको कहा भी था कि सीधा घर जाना, मम्मा परेशान होती होंगी। आप परेशान ना हो, मैं उसको ढूंढ के लाती हूँ। ठीक है बेटा आप जाओ, मैं तब तक यहीं पे बैठती हूँ। ठीक है आंटी, आप यहीं पे इंतजार करें, मैं आती हूँ फातिमा को देख के। लकड़ी की काठी काठी पिघोड़ा, घोड़ी की दम पे जो मारा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। फातिमा फातिमा फातिमा, ये कौन है, किसकी गोद में बैठी हो फातिमा? बेटा आ जाओ आप भी, कैंडी लो आपको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगा, बहुत अच्छा हुआ आप इनकी फ्रेंड है। आप कौन है और ये फातिमा? फातिमा उठो यहाँ से, उठो, क्या कर रही हो फातिमा? नहीं बेटा नहीं नहीं, इधर आओ, इधर कहाँ जा रही हो? नहीं आप कौन है, आप क्यों, आप हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हैं, कौन है आप? बेटा आ जाओ, मैं आपके आपके अब्बू का मैं फ्रेंड हूँ। अरे बेटा इधर आ जाओ, आप कहाँ जा रही हो, ये तो बहुत ही गलत कर रही है, मैं आपको कैंडीज खिला रहा हूँ, आइसक्रीम खिलाऊंगा, कहाँ जा रही हो? नहीं मुझे आपकी कैंडी आइसक्रीम कुछ नहीं चाहिए, आपने फातिमा को अपनी गोद में बिठाया कैसे, ये तो गलत बात है ना, कैसे आपने ये गलत हरकत की है? अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। अच्छे इंसान ऐसे नहीं होते। अरे बेटा आप आ जाओ, मेरी बात मानो ना, नहीं तो मैं आ रहा हूँ आपके नहीं, पास। नहीं अगर आप मेरे पास आए तो मैं शोर मचाऊंगी और मैं सब लोगों को इकट्ठा करूंगी। अरे बेटा नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं रुके रुके ना, आपको तो पता चले ना जब लोग आएंगे, रुके रुके आप। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, मैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। बहन आप परेशान ना हो, ज़ैनब गई है ना, जल्दी फातिमा को ढूंढ के लाएगी, अल्लाह करे कि फातिमा जल्दी आ जाए, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मम्मा मम्मा ज़ैनब फातिमा फातिमा फातिमा। मम्मा आपको पता है कि फातिमा स्ट्रेंजर के पास बैठी थी और स्ट्रेंजर उसको टॉफीज दे रहा था और ये भी कह रहा था कि चलो आपको आइसक्रीम खिलाता हूँ। क्या फातिमा आपको जरा भी इल्म नहीं है कि हमें स्ट्रेंजर से दूर रहना चाहिए? नहीं आंटी मुझे तो ये नहीं पता था, अंकल अंकल बहुत अच्छे थे ना, मैं तो पोएम पढ़ रही थी तो अंकल ने कहा मुझे भी सुनाओ, तो मैं सुनाने लगी। नहीं बेटा ये बुरी बात है। बहन क्या आपने फातिमा को ये नहीं बताया कि अजनबी लोगों से दूर रहें, यहाँ तक के अपने भी अगर आपको अकेले में बुलाएं तो उनके पास नहीं जाना चाहिए। आपने उनको नहीं बताया फातिमा को कि गुड टच और बैड टच क्या होता है? ओ बहन मैं घर के कामों में इतना मसरूफ थी कि मैंने फातिमा को ये सब चीजें नहीं बताई, पर इंशाल्लाह मैं फातिमा को इन सब चीजों से आगाह करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तो समझदार है, वो जल्दी से सब चीजें समझ जाती है। जी बहन आप फातिमा को सब चीजें बताएं ताकि हमारे बच्चे किसी मुश्किल में ना पड़ सकें। आप भी अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में आगाह करें ताकि आपके बच्चे कभी किसी मुश्किल में ना पड़ सकें। प्यारे बच्चों जब भी कोई आपको बैड टच करे तो आप जोर जोर से चिल्लाएं ताकि आसपास कोई भी आपकी मदद करने को आ जाए, और आप कभी भी अपनी मम्मा पापा से कोई भी बात ना छुपाएं और हमेशा अपने मम्मा पापा के साथ रहें।
प्यारे बच्चों, हमेशा खुश रहें, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और हाँ, कभी किसी का दिल ना दुखाएं। अल्लाह हाफिज़।